तो ब्यावर विधानसभा के चुनावी मैदान की तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला होना है। आपको पिछले विधानसभा चुनावों की अगर याद दिलाएं तो पिछली बार 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार 11 प्रत्याशी केवल इस चुनावी मैदान में। हालांकि 12 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, लेकिन देवराज जैन ने एक अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में 11 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं और 11 प्रत्याशियों के बीच अब सीधा मुकाबला होना है। मुख्य तौर पर 5 पार्टियों की तरफ से तो 6 हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब तमाम जो प्रत्याशी हैं, 11 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। मुख्य पार्टियों की अगर बात करें तो शंकर सिंह रावत जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, वहीं पारसमल जैन कांग्रेस के प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो महिला यहाँ पर उतरी है और शिवानी मेघवाल जो है वो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जो पीपुल्स पार्टी है, जो बताई जाती है कि इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी है, उसमें रसूल काठात है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय व्यापारिक पार्टी से सत्यनारायण पालड़िया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से पार्टियों के तौर पर ये 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, और अगर निर्दलियों की बात करें तो 6 निर्दलीय हैं वो चुनावी मैदान में, जिसमें मनोज चौहान ने कांग्रेस समर्थित रहकर यहाँ पर बगावती तेवर दिखाए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं इंद्र सिंह बागावत चुनावी मैदान में है। इसके अलावा महेंद्र सिंह रावत भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें दो अन्य जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें राजेंद्र प्रसाद और सूरज कुमार सुयल, ये दो और प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। अगर बात करें इनके चुनाव चिन्ह के बारे में तो चुनाव चिन्ह इनको आवंटित कर दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। उन्होंने तमाम जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया। अगर मैं चुनाव चिन्ह की बात करूं तो शंकर सिंह रावत, चूंकि आपको पता है कि भाजपा प्रत्याशी है, तो कमल का फूल जो है वो उनका चुनाव चिन्ह है। वहीं पारसमल जैन की बात करें तो हाथ, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो हाथ उनका चुनाव चिन्ह है। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, जो कि पहले से ही तय है कि हाथी उनका चुनाव चिन्ह होता है, जो कि पहले से निर्धारित है, लेकिन अगर अन्य जो चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा कर दिए गए हैं, निर्वाचन विभाग द्वारा उन्हें आवंटित कर दिए गए हैं। बताया गया है कि राष्ट्रीय व्यापारिक पार्टी जो है सत्यनारायण पालड़िया जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मटर चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसके अलावा इंडियन पीपुल ग्रीन पार्टी के जो रसूल काठात हैं उन्हें हांडी चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसके अलावा अगर जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव में और मैदान में उतरे हुए हैं, उसमें मुख्य जो नाम आते हैं इंद्र सिंह बागावास, मनोज चौहान, महेंद्र सिंह रावत, इनको भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इसमें इंद्र सिंह बागावास को कैची चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, वहीं मनोज चौहान को भाला फेंक ये चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित किया गया है। महेंद्र सिंह रावत जो है उन्हें बैटरी टॉर्च यहाँ पर चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। इसके अलावा जो अन्य जो 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी चुनाव चिन्ह आवंटित हुए। उसमें पुरुषोत्तम भाटी जो है उन्हें साइकिल पंप यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिया गया है, सूरज कुमार सुयल जो है उन्हें गुब्बारा चुनाव चिन्ह दिया गया है, और राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें बल्ला चुनाव चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और सभी को अब चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुके हैं। तो सीधा मुकाबला इन 11 के मध्य होना है, लेकिन मुख्य तौर पर जो 5 पंचकोणीय मुकाबला माना जा रहा है वो शंकर सिंह रावत, पारस मंच, इंद्र सिंह बागावास, मनोज चौहान और महेंद्र सिंह रावत। तो इस बार चुनावी जो मोड़ है वो बहुत रोचक है, मुकाबला बहुत रोचक है। तो फिलहाल तस्वीर साफ हो चुकी है ब्यावर विधानसभा की, 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए।